जब गूगल का कलैप्स हमारे पास नजर आ रहा होगा, तो यहां पर हमें मैटप्लॉट को यूज करते हुए हम एक ट्री मैप को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको इस क्वेरीफाई को, जब भी मैंने बताया था उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं, पीआईपी इंस्टॉल, और आपने क्या इंस्टॉल करना है, क्वेरीफाई। ठीक है, आप क्वेरीफाई लिखेंगे, इंटर करेंगे, आप इसको रन करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर नहीं इंस्टॉल तो ये आपको इंस्टॉल्ड करके दे देगा। ठीक है, ठीक है, डाउनलोड कर रहा है ये, और ये आपके पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब वंस हमारे पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, तो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, तो वंस हमारे पास स्क्वायरिफाई इंस्टॉल हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पांडास को, इंपोर्ट करेंगे हम लोग मेटप्लॉट को और स्क्वायरिफाई को पर। ठीक है, तो हम यहां पर इसको इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम करते हैं, सबसे पहले हमने मेटप्लॉट को, आपका सारा मेटप्लॉट को करें या खारी पीवाई प्लॉट को करें, मैटप्लॉट की लाइब्रेरी को एज अ पीएलटी आपने इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट किया हमने स्क्वायरिफाई को। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है, डेटा कुछ इस तरह का है, आपके पास एक लिस्ट है हमारे पास, यानी कितना डेटा होगा आप उसका डेटा यहाँ पर लिख दें। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन रमजान कह रहे हैं कि सर हम इसको ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, तो बेटा ऑनलाइन हम यूज कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ये है कोलैब्स, यानी ये आपको एक फैसिलिटी दे रहा है, इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो आपको गूगल कोलैब्स के नाम से एक, आपको एक सॉफ्टवेयर एज सर्विस दे रहा होता है, जिसके अंदर आप जाहिर सी बात है अपनी चीजों को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता, सीएमडी में जाना होता है, सीएमडी में जाके अपने पास इंस्टॉल करना होता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मैं गूगल क्लैब्स इसलिए यूज करवा देता हूँ कि ताकि आपको पता हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें, आप जैसे मैटप्लॉट है, मैटप्लॉट को हमने यहाँ पे पहले इंस्टॉल नहीं कराया, तो मैटप्लॉट ऑलरेडी गूगल के क्लैब्स में क्या है, इंस्टॉल हुआ हुआ है। अब स्क्वेरीफाई जो है, हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, उस थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को हमने यूज इंस्टॉल नहीं किया है, तो जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो मेरे आईडी एक बनी है कोलैप्स के ऊपर, जाहिर सी बात है, जब मैं कोलैप्स यूज करता हूँ गूगल मेरी आईडी को यूज कर रहा होता है, आपको नजर आ रहा होगा ये रहा गूगल क्रोम पे मेरी आईडी, यानी ये वाली आईडी मेरी यूज करता है। अब इस आईडी पे अब ये स्क्वायरिफाई को क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा, यानी स्क्वायरिफाई को कहाँ पे इंस्टॉल करेगा, अपने जाकर कभी कभी देखेंगे गूगल ड्राइव वगैरह पे ये कहीं ना कहीं इंस्टॉल होता है, और वहां से उसको होता है पिक कर रहा होता है। जब आप अपने गूगल ड्राइव पे जाएंगे तो गूगल ड्राइव के अंदर गूगल कोलैप्स का अलग से फोल्डर बना हुआ है, अब उस गूगल कोलैप्स के फोल्डर में जाके देखेंगे तो जो जो लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर, वो लाइब्रेरीज वहां पर आ जाती हैं। तो कहने का मकसद ये कि डायरेक्टली आपके जीमेल अकाउंट में इसने इसको क्या कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया। अगर हम गूगल कोलैप्स यूज नहीं करते, हम जुपिटर यूज करते हैं, अनाकोंडा यूज करते हैं, या हम लोग डायरेक्टली सीएलआई यानी सीएमडी के थ्रू पाइथन को यूज कर रहे हो करते हैं, तो ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इंस्टॉल किया है। समझ आ गया बेटा? गुड, अच्छी बात है, क्वेश्चन तो ही सीखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास एक डेटा है, अब इस डेटा की मैं कोई ट्री मैप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्री मैप इसके बनाने की बनाने का बना देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास
अब ये डेटा आ गया यहाँ पर हमारे पास स्क्वायरीफाई का, स्क्वायरीफाई डॉट प्लॉट, ठीक है, डॉट प्लॉट का हमारे पास मेथड है। इस डॉट प्लॉट के अंदर आप कोई ना कोई डेटा दे सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई आप डेटा दे सकते हैं, उस डेटा को आप स्क्वायरीफाई में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने स्क्वायरीफाई कर दिया और प्लॉट कर दिया, दैट्स इट। अब सिंपल यहाँ पर हमें प्लॉट के एक्सिस बताने पड़ेंगे और प्लॉट को शो करना पड़ेगा, तो जो प्लॉट हुआ है उसको प्लॉट डॉट शो करेंगे हम। यहाँ देखें हमारे पास एक डेटा था, वो अब हमारे पास शो हो जाएगा, देखते हैं किस तरह का शो होता है। और इसके अंदर आप जाएंगे, इसको आप करेंगे ऑफ, तो ये हमारे पास प्लॉट के जो एक्सेस है वो जाएंगे, सिर्फ प्लॉट नजर आ रहा होगा आप, ठीक है। ये देखें आप, ये डिफरेंट कलर के, डिफरेंट कलर आ गया और उसके अंदर जो एक्सेस थे वो भी यहाँ से हट गए। ये कलर्स आपको समझ नहीं आ रहे, आप अपना कोई कलर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कलर लिखेंगे, कलर्स का एक लिस्ट बना देंगे अपने, फॉर एग्जाम्पल एक कलर आप जो 500 है उसका रेड है, फॉर एग्जाम्पल आपका कलर का आप एक लिस्ट बना देंगे, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, हर तक का कलर के बहुत सारे लिस्ट हमने बनाए, ठीक है। जितने डेटा की वैल्यूज है उतना आप बना दें, या वो अगर आप इसी को बनाएंगे तो ये इतना हिसाब हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब देखा रन करूंगा तो कुछ होगा नहीं, जब तक आप जब प्लॉट कर रहे होंगे स्क्वायरीफाई को, यहाँ पर उसको साथ साथ में कलर भी बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा कलर चाहिए, दूसरा कोई कलर चाहिए तो वो कलर्स आपको यहाँ पर देने होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर कलर्स की वैल्यू देनी पड़ेगी, इसी जगह पर आपको देंगे कॉमा और जो कलर होता है आप कलर को इज इक्वल टू, इसका नाम मैं रख देता हूँ कलर, ताकि कोई मसला ना। और देखें इसको आप रन करेंगे तो वही कलर्स होंगे जो कलर्स हमने यहाँ पर बताए, 500 रेड है, 120 ग्रीन हो जाएगा, 300 आपका ब्लू होगा, 250 आपका पर्पल होगा, 60 जो है आपका ब्लैक हो जाएगा, 120 जो है आपका ऑरेंज हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसमें इसके फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसके इसके अंदर आप उसके लेबल्स को शो करवाना चाहते, इसको इसके लेबल्स आप देखना चाहते हैं, यानी ये वाले लेबल्स, इसमें कोई ना कोई लेबल होगा, फाइव फॉर एग्जाम्पल आपको एक फ्रूट के रेट्स आपने यहाँ पे बताए हुए कि फ्रूट के रेट्स इतने हैं, 500 है, 120 है, 300 है, 250 है, 60 है, या किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये तो किसी भी तक कोई भी चीज़ हो सकता है। अब आपको नहीं पता कि ये रेट क्या है, अब इसमें जब तक कोई ना कोई इसमें लेबल नहीं होगा आप लेबल बता ही नहीं सकते। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लेबल्स यहाँ पर बताया, तो 500 है, आपने कहा ये जो 500 है वो एप्पल के रेट है, पर वो फ्रूट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 120 जो है वो ऑरेंज का रेट है, 300 जो है, अब मैं बेटा ये नहीं बोलना कि सर मैंगो 120 का मिलता है, ठीक है, ये तो हम एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑरेंज मैंगो हमने 300 का रख दिया, पाइनएप्पल हमने 250 का रख दिया, और चीकू जो है हमने कहा 60 रुपीज का है, और 120 का जो है हमने बनाना रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इनको अब हर एक ये जो डेटा है इसको आपने लेबलिंग भी करनी है, तो इसी कलर्स के बाद फौरन कॉमा लिखेंगे और लिखेंगे लेबल्स इज इक्वल्स टू लेबल्स, यही जो लेबल्स हमने लिखे, तो ये लेबल्स भी आपको शो हो जाएंगे। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो आपको यहाँ पर इसके लेबल्स भी नज़र आ रहे होंगे, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, अब देखें ये ब्लैक है तो ब्लैक पर ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जाके यहाँ पर कलर चेंज करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे स्काई ब्लू,
लाइट ब्लू। ठीक है, तो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो इंटरफेरेंस है किसकी है, रेड की है। रेड क्या है, 500 होगी, ज्यादा वैल्यू है। उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, 500 है। और उसकी जो स्क्वायर है, देखेंगे आपको स्क्वायर बड़ा सा नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह आप इसकी लेबलिंग भी कर सकते हैं।